नमस्कार दोस्तों, अगर आप जॉब फाइंड कर रहे हो या फिर आप स्टूडेंट हो और कोई जॉब फाइंड कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। एच के अर्न पोर्टल के माध्यम से और सीईटी और एचएससी के माध्यम से वर्ष 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, उससे पहले पहले यहाँ पे लाखों भर्तियां होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आपको हर एक वैकेंट जॉब के बारे में अपडेट रहना चाहिए अगर आप कोई जॉब फाइंड कर रहे हो तो। जैसे कि आपको पता है कि एच के अर्न पोर्टल पर भी इन पिछले दो महीनों में लगभग 7-8 प्रकार की नई भर्तियां हैं वो दी गई थी। जैसे आप अभी डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 5 प्रकार की जो वैकेंट जॉब है वो दी गई थी। आयुष योगा सहायक की जॉब थी, पीएन की जॉब थी और यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की जॉब थी, मल्टी स्किल वर्कर की जॉब थी। इन सभी ऊपर वाली जो 4 जॉब दी गई है, इनमें लास्ट तारीख है वो 13 दिसंबर 2022 थी। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज लास्ट तारीख है इसकी। और आपने अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो 5 नंबर पे दिया गया डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए आपको। और इसमें अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 दिसंबर 2022 है। अगर कोई तारीख एक्सटेंड होती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने इन जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया और आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आप यहाँ से अप्लाई है वो कर सकते हो। नई वैकेंट जॉब कौन कौन सी आने की संभावना है, कौन सी जॉब आ सकती है, 2024 में कितनी जॉब आएगी, इस बारे में ये वीडियो है। इसके बारे में न्यूज़पेपर में भी डिटेल दी गई है। अभी जो आप डिस्प्ले आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूज़पेपर की कटिंग है और यहाँ पे आप देख रहे हो भर्तियों की भरमार। सरकार चुनाव से पहले 1,00,000 पद भरने को तैयार। तो हरियाणा में लगभग 1,00,000 नई भर्तियां हैं वो होगी जॉब की यहाँ पे। और यहाँ आप देख रहे हो हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर। 2024 के चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े करीब 1,00,000 पदों को भरने के लिए तैयारी कर ली है। इन पदों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम और हरियाणा लोक सेवा आयोग व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा, ठीक है। तो आप अगर जॉब फाइंड कर रहे हो तो आपको अपनी तैयारी पे फोकस रखना है। जॉब यहाँ पे है वो अवेलेबल करवाई जाएगी, काफी सारी जॉब आने वाली है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 में ये भर्तियां पूरी कर ली जाए। इसी कड़ी में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 5 भर्तियां निकाली गई थी। जैसे आयुष योगा की जो भर्ती है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, चपरासी की भर्ती थी, ऑफिस सहायक की भर्ती थी, मल्टी स्किल वर्कर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद यहाँ पे शामिल किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भर्तियां थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, उनकी अंतिम तिथि 13 दिसंबर और 15 दिसंबर है। इसके अलावा इसी माह टीजीटी के स्थायी जो पद है 7,441 पदों को दोबारा से विज्ञापित किया जाएगा, ठीक है। तो इसी अभी हो सकता है कि दिसंबर में या फिर जनवरी में ये जो टीजीटी के 7,441 जो पद थे उनके लिए दोबारा से यहाँ पे एडवर्टाइज है वो दी जाएगी। हरियाणा के सरकारी विभागों में कुल 4,58,808 स्वीकृति पद थे, यानी कि ये टोटल पद है सरकारी विभागों में। और सितंबर में 13,462 पदों की कटौती कर दी गई है इनमें से, और इनमें से 2,62,849 पद है वो भर चुके हैं, जबकि 1,82,497 पद अभी भी खाली है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखिए 1,82,497 पद अभी भी खाली है। इन पदों को भरने के लिए हरियाणा सरकार खाका तैयार कर रही है। निगम और दोनों आयोगों को सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल 80,000 से अधिक पदों को भरा जाए। इनमें से सीईटी परीक्षा के आधार पर 32,000 पदों को भरा जाना है और बाद में फरवरी में ग्रुप डी की जो भर्ती होगी सीईटी के आधार पर 22,000 पदों के लिए परीक्षा होगी। इसके साथ ही निगम के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 8,900 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। दूसरी ओर एचपीपीएस ने पीजीटी के 4,574 पदों के लिए आवेदन मांग लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एचपीपीएस ने पीजीटी जो टीचर है, पीजीटी टीचर के 4,574 जो पद है उनके लिए आवेदन मांगा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी मौका है। साथ ही एडीओ के 700 पदों के साथ साथ 3,500 से अधिक कॉलेज प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्दी ही शुरू होने वाली है, ठीक है। तो ये आपके साथ है वो न्यूज है वो शेयर करनी थी। तो ये आपके लिए वैकेंट जॉब है और काफी वैकेंट जॉब है जो कि आने वाले टाइम में अभी आपको ये मिल सकती है, तो आपको इसके बारे में तैयारी करनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर टीजीटी टीचर के बारे में दिया गया है, 7,471 टीजीटी की पक्की भर्ती के लिए जल्द दोबारा मांगे जाएंगे आवेदन। तो 7,471 जो टीजीटी टीचर्स है उनके लिए दोबारा से आवेदन है वो मांगे जाएंगे। और यहाँ पे पेपर में ये काफी अच्छी डिटेल दी गई है उन सभी युवाओं के लिए जो जॉब फाइंड कर रहे हैं, उनके लिए काफी बढ़िया न्यूज है ये और उनके लिए मौका भी है। तो यहाँ दिया गया कि निगम की निकाली भर्तियों में पदों की संख्या नहीं दी गई है। जैसे निगम में ये भर्तियां दी गई है एच के आर एन पोर्टल पे, उनमें वैकेंट जॉब कितनी है वो डिटेल नहीं दी गई है। तो उसके बारे में यहाँ दिया गया कि निगम की निकाली भर्तियों में कुल पदों की संख्या नहीं दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि संख्या हजारों में है, ठीक है। तो अभी वहां पे संख्या तो नहीं दी गई है कितने वैकेंट जॉब हैं वहां पे। जैसे मान लीजिए कि अगर वहां पे पीओन की मांग रखी है तो वहां पे ये नहीं दिया गया कितने पीओन की जरूरत है। तो यहाँ पे ये दिया गया कि हजारों में यहाँ पे वो वैकेंट जॉब हो सकती है। यह भर्ती इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनमें ग्रुप डी के चपरासी के पद भी शामिल है। इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से 2018 में ग्रुप डी
18,218 स्थायी भर्ती की गई थी। इसके बाद से न तो ग्रुप डी की पक्की भर्ती निकली है और न ही कच्ची भर्ती निकली थी। निगम की भर्ती में चपरासी पद के लिए कक्षा 10वीं पास आवेदन कर सकेंगे। तो ये डिटेल दी गई थी जो कि मैं आपके साथ है वो साझा करनी थी डिटेल। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लाखों भर्तियां हैं वो यहाँ पे होने का दावा है वो किया जा रहा है। तो 2024 जो चुनाव आने वाले हैं उससे पहले पहले ये वैकेंट जॉब है वो मिल सकती है। वैकेंट जॉब की अपडेट के लिए आप इस साइट पे जा सकते हो hkrnl.itihariana.gov.in और यहाँ पे आप देख रहे हो जॉब एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको वैकेंट जॉब सब मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप hkrn पोर्टल पे वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिए। तो ये थी जानकारी वैकेंट जॉब्स के बारे में और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए काफी वैल्यूएबल वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं और जो जॉब को फाइंड कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको जानकारी मिल सके। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।